और ये मैं आलूओं को छील लूंगी जो मैंने उबाल लिए हैं। सॉरी दोस्तों, मेरे एक दो जो क्लिप है उनमें मेरी आवाज़ नहीं आ पाई है वीडियो में, सॉरी उसके लिए। और ये मैंने आलूओं को उबाल लिया है, तीन आलू को, और इनको मैं छील लूंगी। और ये फ्राई हो गया है मेरा मसाला, और मैं इसको उतार लूंगी। अब इन आलुओं को देखिए मैं मैश कर लूंगी। और ये मसाले को पहले मैं अलग रख लूंगी, अलग प्लेट में। ये देखिए इस तरीके से मैं इनको मैश कर लूंगी। सिल पर इसको मैं दरदरा सा पेस्ट बना लूंगी, सूखा सूखा पाउडर बनाएंगे इसका। तेल गरम हो गया है, मैं इसमें जीरा डाल दूंगी और इसके बाद प्याज डालेंगे। और प्याज को मैं थोड़ा सा ब्राउन करूंगी हल्का सा। और ये देखिए प्याज मेरी ब्राउन हो गई है। और इसी के साथ में मैं इसमें डाल दूंगी दो टमाटर और ये हरी मिर्च काट करके डाल दूंगी। नमक डाल दूंगी टमाटरों को बुला दूंगी। और इसी के साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी एक चम्मच हल्दी और आधा चम्मच मिर्ची डालूंगी, क्योंकि साबुत मिर्ची मैंने डाल दी है। और मसाले को चलाएंगे, पानी डाल दिया है मैंने मसाले को गलाने के लिए। देखिए मैंने जो साबुत मसाला पीसा था, ये लहसुन और साबुत मिर्च और जीरा और धनिया का हुई मसाला, और ये मैंने गरम मसाला ले लिया है, और ये मैंने जीरा पाउडर ले लिया है, मैंने मैगी मसाला ये सॉरी मैंने पाव भाजी मसाला लिया है। ये पाव भाजी मसाला मेरे पास था इसलिए मैंने ये ले लिया है। और ये मैंने लिया है जीरा पाउडर और यह है मेरा मैगी मसाला। ये सब मसाले मैं डाल दूँगी। अरे बहुत ही टेस्टी आलू बनते हैं, बहुत ही बढ़िया आलू बनते हैं। अब आप लोग को ऐसे तो पता चलेगा नहीं, आप बना करके देखिए। और यही मसाला पीसिए, नॉर्मली प्याज और हल्दी तो ये सभी डालते हैं, लेकिन ये मसाला भी आप डाल के देखिए। और उसके बाद में इसमें डाल दूँगी आलू। और ये मैंने आलू डाल दिया है इसमें। आलू को मसाले में मिक्स कर लेंगे इस तरह से। और इसमें पानी डाल देंगे थोड़ा सा। और इसे 10 मिनट तक धीमी आंच में पकाएंगे, धीमी आंच में 10 मिनट तक पकाएंगे। ये देखिए बस 10 मिनट तक धीमी आंच में पकाएंगे और हमारे आलू तैयार। और देखिए दोस्तों मेरे जो आलू बन करके बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हो गया। अब मैं गैस बंद कर दूंगी और ये बहुत ही बढ़िया बने हैं। प्लीज़ आप लोग भी बनाइए, मुझे सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए, लाइक करिए, और अच्छी ना लगूँ तब भी बता दीजिए, और रेसिपी अच्छी नहीं लगती है तो भी मुझे बता दीजिए ताकि मैं सुधार कर लूँ। थैंक्स।